और अब अमेरिका में क्या करते थे बाबा जी? वहाँ पे एडवांस इंजीनियरिंग का प्रोफेसर था। हाँ जी। और अमेरिका के 5 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुशाहिद खान। और आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी कि जिसमें एक बाबा हैं और इंजीनियर बाबा के नाम से वो मशहूर हैं, और इतने पढ़े लिखे वो बाबा हैं कि यूनिवर्सिटी अमेरिका की जैसी कंट्री में 5 यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रहे हैं और वाइस चांसलर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, और आज वो दिल्ली गुरुद्वारा है चांदनी चौक वहाँ पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा बैठे हुए हैं, और इनकी उम्र मैं आपको बता दूं कि 100 साल से भी ज़्यादा, इन्होंने हमसे बात की तो 100 साल से भी ज़्यादा इनकी उम्र है, 125-30 साल की उम्र इन्होंने हमें बताई है कि 1876 या 75 की इनकी पैदाइश है। अब मुझे आई डोंट नो, लेकिन इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा तो अल्लाह बेहतर जाने कि वो सही है या गलत है। और हमने इनसे बात की तो इतने माइंडेड आदमी हैं कि एक विद्वान है, और लेकिन लास्ट में एक रिजल्ट निकला कि वो अपने सब कुछ छोड़ के सालों से यहाँ पर गुरुद्वारा में है, वहाँ की सेवा करते हैं। और एक छोटी सी क्लिप है, आप वो देखिए और उनके बारे में जानिए कि आखिर ये है क्या चीज़, और इतनी सब कुछ करने के बाद भी आखिर क्यों दुनिया को छोड़कर यहाँ पर ये अपना जो पूरा वक्त है वो दे रहे हैं। आप लखनऊ से आए बाबा जी, और यहाँ चांदनी चौक में आप क्या करते हैं? चांदनी चौक में गुरुद्वारा साहब में सेवा करता हूँ। हाँ जी। बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। हाँ जी। और कुत्तों को दूध डालने, पक्षियों को चारा डालने। आपका नाम क्या है? सरदार ज्ञानेंद्र सिंह। और आप कितने पढ़े लिखे हैं? PhD इंजीनियरिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से। हाँ जी। डॉक्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। हाँ जी। और अब अमेरिका में क्या करते थे बाबा जी? वहाँ पे एडवांस इंजीनियरिंग का प्रोफेसर था। हाँ जी। और अमेरिका के 5 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर। हाँ जी हाँ जी। प्रिंसटन, शिकागो, कैलिफोर्निया। हाँ जी। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। हाँ जी। 5 यूनिवर्सिटीज में 2-2 साल के लिए वाइस चांसलर। तो बाबा जी अब आप क्या सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? बच्चों को फ्री पढ़ाना। तो बच्चे आपको कहाँ से मिलते हैं बाबा जी? आप मिल जाते हैं, जिनको मिल जाते हैं, जिनको जरूरत पड़ती है वो अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आपकी कोई मदद करना चाहे तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, चांदनी चौक पे यहाँ 24 घंटे यही रहता हूँ। पूरी दिल्ली दे कॉल मी बाय द नेम ऑफ इंजीनियर अंकल। ज्ञानेंद्र नाम तो जो रोज मेरे को मिलते हैं उनको भी नहीं पता। तो आपने क्या गुरुद्वारे से कोई सेवा नहीं ली अपने लिए कि मैं, मेरे को रहने के लिए कोई जगह चाहिए या खाने के लिए मैं भीड़ दूँ, तो ऐसी कोई सेवा आपने नहीं ली? उल्टे मैं सेवा, आई वॉन्ट टू रेंडर माई सर्विसेज, नॉट टू टेक दिस सर्विसेज। ओके। मैं सेवा लेना नहीं चाहता, सेवा करना चाहता। ये तो आपके बहुत अच्छे ख्यालात है। देखा आपने किस तरह से बाबा फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, और देश की टॉप यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा चुके हैं, साइंटिस्ट हैं, नासा जैसे संस्था में गेस्ट प्रोफेसर के रूप में जाते थे, गेस्ट टीचर के रूप में जाते थे जैसे कि बाबा ने बताया। लेकिन आखिर ये सब होने के बाद, इतनी सारी उपलब्धि होने के बाद आज बाबा गुरुद्वारे में हैं, गुरुद्वारे का लंगर खाते हैं, यहीं बैठते हैं। हमने बहुत कोशिश की उनको कुछ मदद करने की, लेकिन उन्होंने मदद लेने से मना कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि बेटा मैं सिर्फ एक वक्त खाता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो, क्योंकि आखिरकार कुछ साथ नहीं जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।